नमस्ते दोस्तों, मैं नीरज दुगर आज आपको बताऊंगा कि आपको लाइफ इंश्योरेंस जल्दी क्यों खरीद लेना चाहिए और मैं आपको ये कैलकुलेशंस के साथ बताऊंगा। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें क्योंकि एंड तक अगर आप देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि आपको लाइफ इंश्योरेंस जल्दी क्यों खरीदना चाहिए। तो अभी हम लोग पहले तो शुरू करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब जो ऐसी प्रोडक्ट जो आपकी लाइफ की लॉस ऑफ लाइफ के रिस्क को कवर करे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज इंश्योरेंस खरीदा और अगर कुछ सालों में आपकी डेथ हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे आउट करेगी। तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसको ये आपके रिस्क ऑफ डेथ को कवर करती है। तो अभी आपको पहले तो कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, LIC के खुद के इतने सारे प्रोडक्ट्स होंगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए। अब तो मार्केट में इतने सारे अलग अलग कंपनीज भी आ गए हैं लाइफ इंश्योरेंस वाले, तो आपको बहुत कंफ्यूजन होता होगा। तो पहले तो मैं आपको एक थंब रूल बता देता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो आपको क्या करना है, कभी भी आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हैं तो आप कभी भी उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ना सोचें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास दूसरे प्रोडक्ट्स हैं। आपके पास म्यूचुअल फंड्स है, आपके पास PPF है, आपके पास NPS है, राइट। बट इंश्योरेंस के लिए आपके पास कुछ और नहीं है। इंश्योरेंस लेने के लिए आपको इंश्योरेंस ही लेना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इंश्योरेंस करने की जरूरत नहीं है। तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सुटेबल है? तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक ही प्रोडक्ट है मार्केट में, उसको टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, आप जो प्रीमियम पे करते हैं वो प्रीमियम के अगेंस्ट आपको एक बड़ा कवर मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 25 ईयर्स ओल्ड हैं और आप 1 करोड़ की पॉलिसी ले रहे हैं टिल द एज ऑफ 60, तो आपका जो प्रीमियम होगा वो अराउंड 8,200 रुपीज होगा। तो अभी ये जो प्रीमियम है वो आपको 60 तक पे करना पड़ेगा। अगर आपकी डेथ 60 से पहले हो जाती है तो आपको आपके जो बेनिफिशियरीज हैं, आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनको 1 करोड़ का पे आउट मिलेगा। अगर आप 60 तक यू नो सर्वाइव कर जाते हैं तो किसी को कुछ पे आउट नहीं मिलेगा। तो मैंने जैसे बताया, इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ये आप थंब रूल अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि अगर आप ये बिठा लेंगे तो आपको कोई कभी मिससेलिंग नहीं कर पाएगा। इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में मिससेलिंग बहुत होती है और अगर आप ये समझेंगे नहीं तो आप कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत प्रोडक्ट खरीद लेंगे और आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के लिए कभी नहीं खरीदना है। इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंडिचर टू कवर द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ डेथ। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप कार खरीदते हैं तो कार के लिए आपको मैंडेटरी इंश्योरेंस खरीदना पड़ता है। जो आपका कार आपने खरीदा और आपने उसके साथ इंश्योरेंस खरीदा, अगर 1 साल हो गया तो ऐसा नहीं है ना कि आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके पैसा मांगते हैं, क्योंकि आपने इंश्योरेंस खरीदा था टू कवर द रिस्क ऑफ एन एक्सीडेंट, राइट। और आप ये कार का जो इंश्योरेंस होता है हर साल रिन्यू करते हैं, राइट। तो आप जो लाइफ का जो इंश्योरेंस है वो हर साल क्यों नहीं रिन्यू करेंगे, लाइफ का इंश्योरेंस क्यों नहीं लेंगे? तो आपको लाइफ का इंश्योरेंस जरूर लेना है और ज्यादा अमाउंट का लेना है। अगर आप 10-20 लाख के इंश्योरेंस ले लेंगे तो कुछ नहीं होगा आपकी फैमिली को, क्योंकि आप समझेंगे अगर आपका जो एनुअल एक्सपेंसेस है वो 5 लाख रुपीज है और आपने 20-25 लाख का इंश्योरेंस लिया, तो आपकी फैमिली को कितना कवर मिलेगा, कितना कवर मिलेगा बताइए? 3-4 साल तक वो लोग जी पाएंगे उस मनी से, उससे ज्यादा तो नहीं जी पाएंगे, राइट। अगर आपकी डेथ डेथ यंग एज में हो जाती है तो आपकी फैमिली को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है और बहुत बड़ा क्राइसिस लग सकता है इन केस ऑफ डेथ। तो आपको क्या करना है, बड़ा कवर लेना है। तो ये कवर का जो कैलकुलेशन है वो कैसे करना है, कैलकुलेशन आपको इस हिसाब से करना है, जब आपकी इनकम जो है या फिर आपके जो एक्सपेंसेस है उसका एक आप मल्टीपल ले लें। अगर आप इनकम की मल्टीपल ले रहे हैं तो आप समझे 30-40 टाइम्स की मल्टीपल ले लें, और अगर आप एक्सपेंसेस की मल्टीपल ले रहे हैं तो आप 40-50 टाइम्स की मल्टीपल ले लें। ये मल्टीपल में आप अपने लाइबिलिटीज ऐड करें, अपने किड्स की एजुकेशन का कॉर्पस कितना रिक्वायरमेंट है वो ऐड करें, और इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, आप अपने करेंट जो नेटवर्थ है वो माइनस करेंगे। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो नंबर आएगा वो आपका टर्म इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट होगा। मैं उसका फॉर्मूला यहाँ लगा रहा हूँ, आप देखें, 2 मिनट पॉज करके इसको स्टडी करें, अच्छे से समझें। अगर कुछ क्वेश्चन है तो कॉमेंट करके मुझे पूछें, मैं आपको जरूर उसका रिस्पॉन्स दूंगा। तो अभी आपने असर्टेन कर लिया आपको कितना टर्म इंश्योरेंस चाहिए, अब मैं आपको बताऊंगा जो मेरे वीडियो का आज मेन टॉपिक है कि आपको टर्म इंश्योरेंस जल्दी क्यों खरीदना है। पहला तो रीजन है कि आप जितना जल्दी खरीदते हैं उतना सस्ता मिलता है आपको, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। यहाँ मैंने 2 केसेस लिए, केस वन में जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका जो एज है 32 पे उसने पहला इंश्योरेंस खरीदा, केस टू में 25 के एज में खरीदा। दोनों का जो कवर है 1 करोड़ का है, और जो फर्स्ट केस में जो 32 है उनका जो प्रीमियम है 10,700 के आसपास आता है, और जो सेकंड केस है उनका जो प्रीमियम है 8,200 के आसपास आता है। तो सेम कवर के लिए आप देखेंगे एक का प्रीमियम ज्यादा है और एक का कम है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सेकंड केस में उन्होंने जल्दी खरीदा, व्हेन ही वाज यंग ही बॉट इट। तो इंश्योरेंस कंपनीज रिस्क इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि आप जब आपका जो एज है वो एज देख के वो रिस्क कैलकुलेट करते हैं कि आपका कितना रिस्क है, और उस हिसाब से आपको प्रीमियम चार्ज करते हैं। तो आपने अगर यंग खरीद लिया, एज अ यंग पर्सन खरीद लिया, तो क्या होता है ना, ये जो प्रीमियम है वो आपकी फॉर रेस्ट ऑफ द पॉलिसी टर्म फिक्स
फिक्स्ड रहती है, तो अगर आपने एट द एज ऑफ 25 खरीदा तो आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ सिर्फ 8,200 रुपीज पे करना है टिल द एज ऑफ 60। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये जल्दी क्यों खरीदना है। अगर आप इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इन दोनों केसेस का, जो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल कैश आउटफ्लो, तो अगर आप 32 के एज में खरीदेंगे तो आपको 27-28 ईयर्स तक प्रीमियम पे करना है, और अगर आप 25 के एज में खरीदेंगे तो आपको 36 ईयर्स तक प्रीमियम पे करना है। तो ये जो टोटल प्रीमियम होगा फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, इसका जो आज की वैल्यू है, जो टोटल कैश आउटफ्लो का जो आज की वैल्यू है, वो आप देखेंगे केस टू में कम है और केस वन में ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो ये इंश्योरेंस है, अगर आप जल्दी खरीदते हैं तो आपको सस्ता पड़ता है, क्योंकि आपके जो पॉकेट से जो नेट कैश आउटफ्लो होगा वो जल्दी खरीदने से कम होगा और लेट खरीदने से ज्यादा होगा। इसीलिए इंश्योरेंस जल्दी खरीदना फायदेमंद होता है। अभी एक और रीजन मैं आपको बताता हूँ इंश्योरेंस क्यों जल्दी खरीदना चाहिए। ये हो गया आपकी हेल्थ के ऊपर। तो आप जैसे जैसे अगर लेट करते हैं इंश्योरेंस खरीदने में, तो आपकी अगर आपको कोई लाइफस्टाइल डिजीजेस हो गई समझिए, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज हो गई, या फिर हाइपरटेंशन हो गया, या फिर कोई और सिग्निफिकेंट डिजीज है, या आपने कोई आपकी कोई सर्जरी हो गई या एक्सीडेंट हो गई, तो क्या होता है ना, ये इंश्योरर्स अंडरराइटिंग के केस में इंश्योरर क्या करते हैं, अपना रिस्क को अंडरराइट करते हैं। तो जब वो रिस्क असेसमेंट करेंगे आपका कि आपका प्रोबेबिलिटी कितना है डेथ का, यू नो, बिफोर द टर्म ऑफ द पॉलिसी, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक प्रीमियम में लोडिंग ऐड कर देते हैं। लोडिंग मतलब अगर आपका जो सपोज 32 के एज में आप जाते हैं इंश्योरेंस खरीदने, अगर आप फिट एंड फाइन है तो आपका 10,700 के आसपास आएगा प्रीमियम, बट अगर आप फिट नहीं है, आपको कोई भी कंडीशंस है, तो वो इंश्योरर क्या करेगा, वो आपको लोडिंग लगा देगा। लोडिंग का मतलब है एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेगा। तो ये प्रीमियम जो एक्स्ट्रा होता है वो कितना भी हो सकता है, 20-30-40% डिपेंडिंग ऑन दी इंश्योरर। एक और चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप स्मोकर है तो आपका प्रीमियम सडनली सीधा 50-60% ज्यादा हो जाएगा। तो ट्राई करें आप इसको खरीदें एज अ नॉन स्मोकर एंड नॉट एज अ स्मोकर, बट इतना जरूर याद ध्यान रखें कि आप हमेशा जब जो भी डिस्क्लोज कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ बाइंग, ऑलवेज डिस्क्लोज दी करेक्ट डिटेल्स एंड डोंट डिस्क्लोज एनीथिंग फॉल्स। अगर आप कुछ भी फ्रॉडुलेंटली डिस्क्लोज करेंगे तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इंश्योरर जो है वो चाहता है कि उसका पे आउट ना हो, क्योंकि वो अपने पॉकेट से पे करेगा, राइट? ये वो बिजनेस में है कि इंश्योरेंस के बिजनेस में, तो उसको प्रॉफिट्स कमाने, उसको कोई चैरिटी नहीं करनी। तो अगर आपने कुछ भी फ्रॉडुलेंट डिस्क्लोज किया, वो फुल इन्वेस्टिगेशन करेगा एट द टाइम ऑफ क्लेम, और इतना ध्यान रखेगा कि अगर उसको छोटी सी भी छोटी मिस्टेक मिल जाएगी तो वो आपको क्लेम का पे आउट नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, 100% क्लीन रहना है और 100% डिस्क्लोजर करना है। तो इसीलिए आप जल्दी खरीदेंगे, आप फिट रहेंगे, आप जब फिट हैं आप जल्दी खरीदेंगे तो आपको इजीली पॉलिसी भी मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी बीमारी हो जाती है उसके बाद आप टर्म इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टर्म इंश्योरेंस खरीदना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके डिपेंडेंट्स हैं, आपके पास आपकी फैमिली रहेगी, आपके बच्चे रहेंगे, आपके पेरेंट्स हैं। तो बहुत सारे केसेस में आपके पास इतना वेल्थ नहीं होता है कि आप अपनी फैमिली को, अगर आपको कुछ हो भी जाए तो आपकी फैमिली अच्छा लाइफ जी पाएगी आपके बिना। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस जरूरी होता है। अब आप मुझे बताएं कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा लगा या ना लगा, कमेंट करके बताएं, और आप टर्म इंश्योरेंस लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं वो भी बताएं मुझे कमेंट करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर